गुड मॉर्निंग एवरीवन, आवाज आ रहा है क्या मेरा? देखें, हेलो मॉर्निंग एवरीवन, आवाज आ रहा है क्या मेरा? देखें, देखिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। पर अभी पावर नहीं है तो थोड़ा लैग हो सकता है या कुछ इश्यूज आ सकता है टेम्पररी, तो उस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। देर इज पावर फेल्योर ड्यू टू बैड क्लाइमेटिक कंडीशन, तो ऐसा इश्यू हो सकता है। तो स्टार्ट करेंगे जहाँ से जितना होता है अपना, पहले उतना स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कौन कौन आया देखता हूँ। प्राची, करण, सुशांत, अथर, प्राजक्ता, शशांक। एक मिनट, ये चालू हो गया। सिक्योरिटी चालू कर लेता हूँ तब तक, क्योंकि लाइट नहीं तो जितना लैपटॉप की चार्जिंग होगी तब तक क्लास चलेगा। उसके बाद एंड हो सकता है आपको, यानी कि ऊपर दिख जाएगा, पर लाइट आ जाए तो अच्छा हो जाएगा। लिविंग वर्ड से स्टार्ट करता। गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्राची, करण, सुशांत, अथर, प्राजक्ता, शशांक, गौरवी, श्रेया, गायत्री, मधुरा, शुभम, करण, श्रेया, साक्षी, तनिया, प्राची, प्राची पवार, गायत्री, प्राजक्ता, तेजस, करण, श्रेया, ओमकार, प्रतीक्षा, स्वरांजलि, स्नेहल, श्रुति, संभाजी, प्रतीक्षा, प्रसाद, समीक्षा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग इज गुड बट द क्लाइमेट इज बैड। शिवराज देखे स्टार्ट करता है। चालू हुआ क्या ये? जस्ट वेट वन सेकंड। शिवराज, किरण, साक्षी, मधुरा, जाधव, कृष्णा, ओमकार, प्रतीक्षा। पीपीटी चालू हो रही है, जस्ट वेट वन मिनट। मैं आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि पीछे से ब्राइटनेस ज्यादा है। ठीक है, अभी लाइट गई है, थोड़ा सा अंधेरा है। उसके बाद देखिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। एक जनरल इंट्रोडक्शन पहले दिया होगा शर्मा सर ने आपको कि व्हाट इज इन बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या है, इसके अंदर कौन से डिफरेंट सब्जेक्ट आने वाले, क्या होने वाला है। बट बेसिकली एक बार मैं भी बोल देता हूँ तो आपको याद रहेगा। देखिए बेसिकली जो स्टूडेंट ने बायोलॉजी ऑप्टेड किया है, वेरियस डिफरेंट इसके अंदर कौन कौन सी फील्ड है वो बोला होगा आपको। उसके बाद यहाँ पर जो हम नीट के लिए देख रहे हैं बायोलॉजी, तो बायोलॉजी इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बोलेंगे टॉपिक नहीं, जो 360 मार्क के लिए आ रहे हैं। हमको पता है कि जो नीट की एग्जाम होती है वो 720 मार्क की होती है, ड्यूरेशन होता है 3 आवर्स, और इस 3 आवर्स के अंदर आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का पेपर सॉल्व करना है, जिसके अंदर बायो के 180 क्वेश्चन रहेंगे जो मेजोरिटी ऑक्यूपाई कर रहा है, 50% ऑक्यूपाई कर रहा है, और केमिस्ट्री और फिजिक्स ये रहेंगे 45-45 क्वेश्चन ईच, इक्वल टू 90 क्वेश्चन। ठीक है, इसके भी 90 क्वेश्चन है, 90 टोटल 180 क्वेश्चन, तो ये पता होगा। देखो आपको तो बायोलॉजी मेजर पोर्शन ऑक्यूपाई कर रहा है, जिसके अंदर दो मेन चीज़ें अपने को देखने की है, कौन कौन सी, एक बॉटनी और जूलॉजी। इसके अंदर वैसे तो देखिए बायोलॉजी का जो अपने को 11th और 12th में देखना है, मेनली यहाँ पर हमको 2 सब्जेक्ट देखने के, एक होगा बॉटनी और एक होगा जूलॉजी। ये बेसिक आपको बोलना ज़रूरी है तो आपको आगे का समझ में आएगा, नहीं तो क्या हो रहा है वो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, रिपीट आवाज आ रहा है क्या आपको? एक मिनट, इधर का साउंड बंद करता हूँ, साउंड चेक कर रहा था मैं। ठीक है, बॉटनी और जूलॉजी,
बॉटनी ये वर्ड का मीनिंग होता है बोटान, बोटान वर्ड का मीनिंग होता है हर्ब। हर्ब का मीनिंग क्या होता है, जिन प्लांट की साइज 2 मीटर से छोटी है उनको बोलते हैं हर्ब्स। समझ में आ रहा है? दिशा, आदित्य, वैष्णिक, साक्षी, श्रद्धा, सुयश, अनु, अमृताच, ऋषि, आदित्य, श्रेया, प्राजक्ता। देखिए नेक्स्ट ब्रांच है जूलॉजी। वैसे बायोलॉजी के यहाँ पर मैं ऑनली 2 ब्रांचेस बोल रहा हूँ, बायोलॉजी के मोर देन 250 ब्रांचेस है, मोर देन 250। एक ब्रांच को अगर पढ़ने जाएंगे तो 7 जन कम गिरेंगे, तो इतना ब्रॉड साइंस है। उसके अंदर बेसिकली हम 2 चीज़ें देख रहे हैं। लाइट आ गई तो अच्छा हो गया, लाइट आ गई तो आपको इश्यू नहीं होगा। देखिए सेकंड ब्रांच इज जूलॉजी। जूलॉजी, जू का मीनिंग होता है एनिमल, जू मीन्स एनिमल, जू का मीनिंग होता है एनिमल, और लॉजी इस वर्ड का मीनिंग होता है स्टडी और नॉलेज। लॉजी इस वर्ड का मीनिंग होता है स्टडी और नॉलेज, स्टडी और नॉलेज, ठीक है। वैसे तो मैंने क्या बोला अभी आपको कि बायोलॉजी के मोर देन 250 ब्रांचेस है, उसके अंदर वेरियस ब्रांचेस आएंगे अलग अलग, बट मेनली हम यहाँ पर देख रहे हैं बॉटनी और जूलॉजी, जो 11th और 12th में देखने का है। 11th और 12th दोनों का भी सिलेबस आपके नीट के एग्जाम को रहेगा, जो नीट की एग्जाम रहेगी उसके अंदर ये दोनों रहेंगे। तो बेसिकली बायोलॉजी के ये 2 ब्रांचेस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद और वैरायटी ऑफ ब्रांचेस है, बहुत सारे ब्रांचेस है, जैसे शॉर्ट में कुछ ब्रांचेस मैं यहाँ पर बोल लेता हूँ, उनके नाम आपको याद रखना है, क्योंकि जैसा जैसा हम आगे पढ़ते जाएंगे आपको वहां पर वो पार्ट आते जाएगा। क्यों आते जाएगा, देखिए इसके वजह से। अब ये जो सिलेबस दिए वाला आपको आगे, एक मिनट यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये जो सिलेबस दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको सिलेबस दिखाई देता होगा, दिखाई दे रहा है आपको सभी को, ओके। ये देखिए ये जो फर्स्ट यूनिट है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, इसके अंदर हमको आ रहा है लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, किंगडम प्लांटी और एनिमल किंगडम, ये सब टॉपिक आते हैं डाइवर्सिटी में। डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ। गुड आफ्टरनून श्रद्धा, वैष्णवी, अथर, सुशांत, सिद्धेश, तानिया, वेदिका, गौरवी, आरती, गायत्री, स्नेहल, जितने भी स्टूडेंट है देखो लास्ट तक क्लास देखने का, बीच में थोड़ी देर अटेंड रहना और बाहर जाना नहीं है, क्योंकि अटेंडेंस आपका रिकॉर्ड होता है। मैं स्क्रीनशॉट निकाल के रखता हूँ कितने बच्चे थे, क्या थे, कितनी देर तक प्रेजेंट थे, क्योंकि लास्ट को बाय बोलूंगा सभी का बाय आना चाहिए, मतलब मुझे समझ में आएगा कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है लास्ट तक, ठीक है। यस यस बोला है श्रेया ने और प्राजक्ता ने, मतलब इनको सुनाई दिया, बाकी लोगों को नहीं सुनाई दिया। समीक्षा, ओके। ये देखो डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है ये पता आपको, 9th तो सब जनों पास हो गए, 12th का तो राम भरोसे मतलब आना है रिजल्ट, तो 9th में आपने बायोडाइवर्सिटी देखा होगा। 9th का ही जो सिलेबस है वो 11th क्लास में एक्सटेंड हुआ वाला है, ठीक है। 9th का जो आपका सिलेबस है वो आपका क्लास 12th में एक्सटेंड हुआ वाला है, ठीक है। तो डाइवर्सिटी ये वर्ड आपने पहले सुना होगा। डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ। जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ है उसको हम बोलते हैं डाइवर्सिटी, अलग अलग फॉर्म के लाइफ। तो इसके अंदर मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी पूछते रहूंगा, आपको आंसर आता है कमेंट में टाइप कीजिए और बोलते जाइए। डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट फॉर्म की लाइफ है, जहां पे आप सबसे स्मॉलेस्ट से लेकर सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म देखते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है, नाम बोल सकते हैं आप? सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सी है वो बोलो, तो स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं आप कौन है। क्योंकि देखो ये जो हमको अर्थ कॉन्टिनेंट दिख रहा है यहाँ पर वैरायटी ऑफ लाइफ दिखते हैं, सबसे छोटे से छोटा जीव से लेकर सबसे बड़ा जीव दिखता है, और लाइफ सब तरफ एग्जिस्ट होती है। जैसे अगर मैं ये अर्थ निकालूं तो इस अर्थ में जो सबसे डीपेस्ट पार्ट कौन सा है, सबसे डीपेस्ट हमको पता है क्या है, मराइना ट्रेंच। मराइना ट्रेंच कहाँ पर है, ये पैसिफिक ओशियन में। पैसिफिक ओशियन में समुद्र में ये कितना सगात खोल समुद्र, सबसे डीपेस्ट ओशियन मराइना ट्रेंच, कितना डीप है ये, 11,022 मीटर, मतलब लगभग अप्रॉक्सीमेटली 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर एकदम लंबा खड्डा समुद्र के अंदर। अरे सबसे स्मॉलेस्ट अमीबा बोल रहे हो, प्रोटोप्लाज्म बोल रहे हो, नहीं
मैं बोलूंगा आपको, मैंने स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला था, हाँ बराबर है अमी बात तक, अब मुझे बोले स्मॉलेस्ट लिविंग सेल क्या, बहुत जनों बोला देखिए किस किसने रिप्लाई अच्छे से दिया है मुझे, शैला समूह, प्रतीक्षा, करण, प्रेरणा, श्रीजीत, मिस्टर ओमकार, पूजा, सानिका, हेमा, प्रतीक्षा, प्रथमाशा, अनुष्का, आर्यांशु, तेजस, अथर्वा, सिद्धेश, नेहल, आदित्य, वेरी गुड, सभी ने दिया है। लिविंग ऑर्गेनिज्म बोले, सबसे स्मॉलेस्ट सेल भी बोलिए, सबसे स्मॉलेस्ट सेल अमॉन्ग ऑल ऑर्गेनिज्म जितने भी है। तो ठीक है, पहले इधर ध्यान दीजिएगा, सबसे डीपेस्ट माय लाइफ कहाँ कहाँ पर दिखती है ये बोल रहा हूँ आपको, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ में कहाँ कहाँ पर मिलते हैं। सबसे जो डीपेस्ट ओशियन है, जो मरीना ट्रेंच है, जो 12 किलोमीटर तक डेप्थ है इसकी, यहाँ पर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलता है। अर्थ के ऊपर सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है, तो पता हमको, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के डिफरेंट नेम है डिफरेंट कंट्री के हिसाब से, मतलब हम इंडिया के साइड से इसको माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, नेपाल के लोग इसको सागर माथा बोलते हैं। हिमालय की जो रेंज है वो 2400 किलोमीटर 2400 किलोमीटर लॉन्ग है, उसमें सबसे बड़ा माउंटेन लैंड के ऊपर यही है। इसकी हाइट है 8848 मीटर, मतलब लगभग 9 किलोमीटर, और इसकी हाइट हर बार थोड़ी सी चेंज होती रहती है, क्योंकि जब बर्फ ज़्यादा गिरा तब हाइट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, और बर्फ थोड़ा कम रहा तब हाइट कम हो जाती है मीटर, मतलब ही लगभग 9 किलोमीटर। ठीक है, तो मतलब देखिए, अगर माउंट एवरेस्ट के टॉप पर भी गए तो वहाँ पर भी लाइफ एग्जिस्ट होती है, वहाँ पर भी हमको बैक्टीरिया मिलते हैं, मतलब यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट हो रही है, लाइफ एग्जिस्ट मतलब देखिए, लाइफ हमको टॉप पर भी मिल रही है, लाइफ हमको बॉटम में मिलती है, लाइफ हमको नॉर्थ पोल पे भी दिखती है, साउथ पोल पे भी दिखती है, ईस्ट पर भी दिखती है, वेस्ट पर भी दिखती है। तो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर सब तरफ मिल रहा है, ठीक है, इसका मीनिंग लाइफ सब तरफ एग्जिस्ट हो रही है। उसके बाद मैंने पूछा था आपको कि सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल थी, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म बोले तो आप सबने बोला अमीबा, चलो ठीक है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सी है, लिविंग होना चाहिए, कौन है, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम, ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल है लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबसे स्मॉलेस्ट। और सबसे लार्जेस्ट सेल मतलब आपको पता है किसकी होनी चाहिए, ऑस्ट्रिच का एक, शाहमुर्गा का अंडा, इसकी साइज कितनी होती है, 18 सेंटीमीटर, ठीक है, ये है लार्जेस्ट सेल, ठीक है। अब मैंने स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला तो आपने बोला कि सबसे स्मॉलेस्ट जो था वो वो अमीबा बोले, अब सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म का नाम बोलिए, सबसे बड़ा एनिमल का नाम बोलिए। हाँ, आरती ने आंसर बोला है, अथर ने बोला है, गायत्री ने बोला है, स्नेहा ने बोला है, अथर लिम्बा ने, इन्होंने भी बोला है, प्राजक्ता ने बोला है, वेरी गुड, अच्छे से बोलो। अब मुझे बोलो इस अर्थ पे सबसे बड़ा एनिमल कौन सा है, लैंड के ऊपर बोल रहा हूँ, लैंड में अलग है और वाटर के अंदर अलग है। ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच की एक बड़ी सेल है, मैं बोला सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म कौन सा, लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म, लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म बोला मैं, सेल नहीं है, लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन है बोलो, ये लैंड के ऊपर कौन सा है ये बोलिएगा, और वाटर के अंदर कौन है ये बोलिए, ठीक है, क्योंकि हमको पहले डाइवर्सिटी देखना है। ब्लू वेल, ब्लू वेल पानी में, फैस बराबर बोला आपने, जाधव, योगेश, अथर, अरे मुल्ला आपने बोला था सही, फिर क्यों कट कर दिए, स्नेहल, अथर, पूजा, ओमकार, स्मिथ, प्रतीक्षा, मधुरा, प्राजक्ता, आदित्य, डायनासोर अभी डायनासोर दिखता है क्या आपको, वो था अभी नहीं है, अभी जो है वो बोलो मेरे को। अच्छा, साहिर ने एलिफेंट दिखाया और वो निकाल के भी दिखाया, डायनासोर, ब्लू वेल, ब्लू वेल, अच्छा एलिफेंट, लैंड के ऊपर सबसे बड़ा जो एनिमल है वो है एलिफेंटस मैक्सिमस, मतलब एलिफेंट। अब ये बता सकते डायनासोर, तू चुपचाप बैठ, एलिफेंट का वेट कितना होता है, उसको तराजू में डालने का और उसका वेट गिनने का कितना दिखता है वो, एलिफेंट का वेट हो सकता है अप टू 6000 kg, जो अफ्रीकन एलिफेंट है, जो अपने को बुक के हिसाब से सबसे बड़ा एनिमल जो है अभी तक एलिफेंट है, पर अगर आप भी आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको एक फंगस का नाम देता है जो सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, पर अपने को
बुक में जो दिया वो मानना पड़ेगा, ठीक है, एलिफेंट। और वाटर के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म कौन है? वेल। ब्लू वेल। ब्लू वेल इसका वेट होता है कितना? ब्लू वेल का वेट कितना होता है बोलो, उसको तराजू में डाल के गिनने का है, कितना है वेट? अरे ममत बोल रहे, ममत नहीं, हाँ ममत सही होगा, इन टॉन्स। ब्लू वेल का वेट होता है इक्वल टू 16 एलिफेंट, 16 एलिफेंट इक्वल टू 1 ब्लू वेल। मतलब देखिए ये इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म होता है ब्लू वेल। ये ब्लू वेल कभी मर जाता है, और ये समझो ब्लू वेल और ये ओशियन का किनारा है, इसके किनारे पर मरने के बाद जब इसकी डेड बॉडी आती है, आप बोलोगे इतना वजन है ये नीचे क्यों नहीं जाता, ऊपर ही क्यों आता है? वाटर की आपको पता है सॉल्ट अगर वाटर में ज़्यादा है तो डेंसिटी आपको पता है वहाँ पर अफेक्ट होगी। तो इन टाइप के ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई तो वह समुद्र के किनारे भी आ सकते हैं, और वहाँ पर आए तो वहाँ के लोगों को एक महीना तक पार्टी चलती है, खाने को मिलता, इससे ऑयल मिलता है, इससे फ्यूल मिलता है। और वेट देखा आपने, 16 एलिफेंट बोले तो 6000 इंटू 16 करो, इतना इसका वेट आएगा, 7 टन, 96 टन। गुड, प्रांजलि ने कैलकुलेट करके बोला, आदित्य ने बोला है, ओमकार ने बोला है, आदित्य ने बोला है, श्वेता ने बोला है। अभी ओमकार पढ़ाई होने के बाद आता हूं। पढ़ाई होने के बाद अच्छा, तो ये सब समझ में आ गया आपको कि लाइफ सभी तरफ एग्जिस्ट करती है, नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक, सबसे डीपेस्ट लेकर तो सबसे माउंटेन टॉप तक लाइफ सब तरफ मिलती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म सब तरफ मिलता है, तो लाइफ एग्जिस्ट हो रही है। और पानी है जहाँ जहाँ पर, लाइफ है वहाँ वहाँ पर, तो मतलब रहेगा ही। गुड, अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे, वेरी गुड। ठीक है, अब देखिए अभी तक वैसे सबसे जो डीपेस्ट खड्डा जो खोदा गया नीचे वो 13 किलोमीटर का, 13 किलोमीटर, उससे बड़ा गड्ढा नहीं है, ठीक है। तो अभी ये भी बोला था मैं आपको कि डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता था, ये समझ में आ गया, डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ, अलग अलग टाइप की लाइफ जो मिलती है हम उसको हम क्या बोले थे, डाइवर्सिटी, डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ, अलग अलग फॉर्म की लाइफ, डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ, इसको बोलते हैं डाइवर्सिटी। अब इंडिया की डाइवर्सिटी कैसी है कोई बोल सकता है? कुणाल क्षीरसागर स्माइलिंग, गुड। मुझे ये बोले, मैं थोड़ी देर नेट का कनेक्शन चेंज कर देता हूँ, यानी कि लाइट आ चुकी है, एक सेकंड रुकिएगा, अगर लैग कुछ होगा भागना नहीं, मेरे को इतने के इतने बच्चे दिखने चाहिए, मैं सिर्फ नेट का कनेक्शन स्विच कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि पावर हैज कम बैक। ठीक है, आगे लाइव, अब सभी को आवाज सुनाई दे रहा है मेरा, सभी को आवाज सुनाई दे रहा है, आवाज सुनाई दे रहा है सभी को, देखिए ठीक है, आगे लाइव, अब सभी को आवाज सुनाई दे रहा है मेरा, हाँ ओके, मैंने कनेक्शन सुनाई दे रहा है, ठीक है। अब मैं क्या बोला था आपको, आवाज सुनाई दे रहा है सभी को, हाँ ओके, मेरे को सुनाई दिया मतलब आपको सुनाई देगा। अब देखो गुड, वेरी गुड, ये देखिए अब आगे का, मैंने डाइवर्सिटी का मीनिंग बोला था आपको कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट होता है। अब इंडिया की बायोडाइवर्सिटी कैसी है कोई बोल सकता है मुझे? इंडिया की बायोडाइवर्सिटी कैसी है? इंडिया में देखो, इंडिया की बायोडाइवर्सिटी 70%, वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट क्लाइमेट हमारे पास है, हमारे पास जितनी फर्टाइल एरिया है, फर्टाइल मतलब जिसके ऊपर अच्छे से क्रॉप ग्रो होता है, उतना फर्टाइल क्रॉप मतलब उतना ही लैंड अमेरिका के पास है। वैसे तो अमेरिका का एरिया बड़ा है, इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है बाय एरिया वाइज, ये पता हमको, ठीक है। अब मुझे ये जो अपना इंडिया है, इंडिया के अंदर हमको पता है बायोडाइवर्सिटी जो है 70% है, और हमको पता है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है कि जिसकी बायोडाइवर्सिटी बहुत बेस्ट है, हाँ इथिकल डाइवर्सिटी, वेरी गुड सानिका। ये देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, अंटिल 1896 इंडिया ऑनली कंट्री था कि जहाँ से डायमंड मिलता था, इसके पहले लोगों को पता नहीं था डायमंड कहाँ पे मिलता है, डायमंड का जो सोर्स था वो इंडिया ही था। आपको पता, आपने इस डायमंड के बारे में सुना होगा, कोहिनूर, ये इतना महंगा हीरा था, इसका एक टुकड़ा अगर खरीदना है तो पूरा वर्ल्ड अपनी प्रॉपर्टी मिला के भी नहीं खरीद सकता था, इतना महंगा था ये, कोई पूरी दुनिया के इतने औकात नहीं थे।
वो डायमंड इंडिया के पास था। तो बायोडायवर्सिटी अच्छी थी हमारे पास, क्योंकि प्रेशर की वजह से कोल जो है, कार्बन है, वो कन्वर्ट होता है डायमंड में, ठीक है। ये हमको पता है, किसी ने चुरा के अपने सर में लगा लिया, ये इंग्लैंड की क्वीन चुरा के सर के ऊपर लगाया तो उसको ब्रेन कैंसर हुआ, उसके बाद हीमोफीलिया रॉयल डिसीज उन्हीं में हुआ, तो चोरी किया तो ऐसे ही होता है, ठीक है। और क्या अच्छी बात है कि जो बायोडायवर्सिटी इंडिया में 70% है, तो इंडिया ऑनली कंट्री है कि जहाँ पे लायन और टाइगर साथ में मिलता है, बाकी वर्ल्ड का कोई भी कंट्री नहीं कि जहाँ पे लायन और टाइगर दोनों साथ में मिलेंगे, ये इंडिया में मिलता है। आप बोलोगे मैं पकड़ के ले जाता हूँ, इधर से लायन को भी छोड़ता हूँ, टाइगर को भी छोड़ता हूँ, उसके बाद पॉसिबल है, पर उसके पहले नहीं, ठीक है। तो ये हो गया बायोडायवर्सिटी के बारे में, वर्ल्ड की अच्छी बायोडायवर्सिटी अपने पास है। और हर एक कंट्री के पास क्या होता है कि जितना भी उसके पास, सपोज ये इतना एरिया है, तो उसका मेजोरिटी ऑफ पर्सन 23% जंगल होना जरूरी है वहाँ पर, किसके ऊपर, लैंड के ऊपर। और जो माउंटेन होता है इसके ऊपर 50% से ज़्यादा फॉरेस्ट होना जरूरी है, ठीक है। अब उसके बाद देखो बायोडायवर्सिटी समझ में आया, पहले इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं, बाद में वन बाय वन बोलते जाऊँगा। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट, इसके अंदर हम मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और ये देखेंगे। अब ये मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी क्या होता है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि आपको बायोलॉजी के बहुत सारे ब्रांचेस है, उसमें से ये भी ब्रांचेस है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ और उसके मीनिंग आपको अभी के अभी याद हो जाना चाहिए, ठीक है। मॉर्फोलॉजी क्या होता है, एनाटॉमी क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या होता है, ये सब ब्रांचेस हैं। ये एक तो लिख लो या तो बाद में स्क्रीनशॉट निकालो, पर अभी मत लिखो, अभी सिर्फ आगे देखो, समझ में आ रहा है। यस सर, सो मेनी एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल है, पर वर्ल्ड का सबसे खतरनाक एनिमल दो पैरों का है, वो ह्यूमन है। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री, उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी, ये जो ब्रांचेस बोल रहा हूँ इन सब के नाम याद रखिए, क्योंकि हर एक वर्ड का मीनिंग बोलने वाला हूँ मैं। पैथोलॉजी, उसके बाद इंटामोलॉजी, सो ऑन, बहुत सारे ब्रांचेस हैं, ठीक है। एनाटॉमिकल मीन्स ऑक्स लेग वी हैव स्टडीड इन द 10th, वेरी गुड श्वेता, आपको अच्छे से याद आया, एनाटॉमिकल एविडेंसेस याद है आपको। तो मॉर्फोलॉजी का मीनिंग क्या होता है कि स्टडी ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस, हम बाहर से कैसे दिखते हैं या बाहर से पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कैसा दिखता है, उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, जो बाहर से कैसा दिख रहा है। देखो बाहर से हम कैसे दिखते हैं, कोई गोरा दिखता है, कोई काला दिखता है, कोई बहुत गोरा दिखता है, इतना वाइट रहता है कि वो सनलाइट में आए तो उसकी आंखें बंद होगी, उसको हम अल्बिनो बोलते हैं। पर कोई कैसे बाहर से काला या गोरा दिखते जाओ, सभी के अंदर बोन का पैटर्न एक ही है, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहर से हमको कैसे दिख रहा है इंडिविजुअल, उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। और इंटरनल स्ट्रक्चर, किसी ऑर्गेनिज्म की अगर हमको स्टडी करना है तो जब हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तब उसको बोलते हैं एनाटॉमी, और एनाटॉमी के लिए अपने को डिस्कशन करना पड़ेगा। वेरी गुड, गायत्री ने बोला फ्यू इंटरनल बोन्स सिमिलर स्ट्रक्चर, प्राजक्ता सेड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, वेरी गुड, वेर इज वेरी फ्यू आर बी स्टडी, हाँ आप बहुत कम स्टडी वो जो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वेरी गुड। समीक्षा बोलिए प्राची, हाँ वेरी गुड, आपको इवोल्यूशन बोलकर एक टॉपिक आया था, उसके अंदर बोला है कि यानी कि इवोल्यूशन को सपोर्ट करने वाले एविडेंसेस कौन से, एनाटॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल, उसके बाद कनेक्टिंग लिंक बोला था, ठीक है ना, वो पार्ट आपको 10th में आया था, करेक्ट ना, ओके। उसके बाद देखो फिजियोलॉजी किसको बोलते हैं, हमारे अंदर जो लाइफ प्रोसेस होती है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो लाइफ प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं फिजियोलॉजी, द स्टडी ऑफ लाइफ्स इंटरनल प्रोसेस इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजी, लाइफ्स इंटरनल प्रोसेस। हमारे अंदर क्या क्या होता रहता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, सर्कुलेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, मस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है, तो इन सब की प्रोसेस ये कैसे काम करता है, क्योंकि देखो हमारे अंदर 90% ऐसे फंक्शन है जो इनवॉलंटरी है। इनवॉलंटरी का मीनिंग पता है, हाँ इवोल्यूशन वॉज डिलीटेड क्या, अच्छा ये कोरोना वायरस आने के बाद क्या क्या डिलीट हुआ क्या पता, ओके कोई बात नहीं, पर अपन ये जो आने वाला आपके 2 साल के जो पीरियड है यहाँ से, उसके अंदर आपको बहुत सारा नॉलेज गेन करना है, आपका 10th और 11th 12th डिफरेंट रहेगा,
क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना है। 15 लाख बच्चे एग्ज़ाम के लिए बैठते हैं, उसके अंदर से रिजल्ट रहता है 2% ऑनली नीट का। तो इमेजिन कीजिए कि कितना ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता होगा। पर मेरे ऐसे बोलने से घबराना नहीं है, ये सोचना है कि मैं उस 2% में क्यों नहीं हूँ, और उसके लिए वर्क करते जाने का, और वर्क करने वाला जीतता ही, ठीक है। इसलिए माइंड में याद रखने का, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ, अराइज अवेक स्टॉप टिल नॉट द गोल इज रिच, ठीक है, वर्क करते रहना है। फिजियोलॉजी का मीनिंग बोला मैंने, लाइफ के इंटरनल प्रोसेस जो है उसकी स्टडी को बोलते हैं फिजियोलॉजी। ये MBBS का भी सब्जेक्ट है, MBBS में स्टार्टिंग को ये 3 सब्जेक्ट आता है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल जो है, उन केमिकल की स्टडी करना, किसके अंदर, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है, मतलब जो बायोटिक है, ठीक है। वो वेरी गुड, अच्छे से रिस्पांस दे रहा, ऐसा ही रिस्पांस लास्ट तक चाहिए, नहीं तो ऐसा नहीं, यानी कि मोटिवेट किए फुल लास्ट पावर में आ गए, दूसरे दिन और बैटरी कम, वैसा नहीं, लास्ट तक चाहिए। वेरी गुड, तानिया ने आंसर दिया है। इनवॉलंटरी मीन्स एक्शन विच इज अंडर न्यूरल कंट्रोल, नॉट अंडर आवर कंट्रोल, करेक्ट। ऐसी कंडीशन देखो, हमारे अंदर 2 टाइप के एक्शन रहेंगे, एक रहेगा इनवॉलंटरी, एक रहेगा वॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब क्या, जो आपके विल पावर के अंडर कंट्रोल में, आपका हैंड आपको कहाँ पर लाना वो आपके कंट्रोल में, आपको आपका हेड घुमाने आता ये आपके कंट्रोल में, पर कोई पर्सन अपनी ब्रीदिंग स्टॉप नहीं कर सकता, सर्कुलेशन स्टॉप नहीं कर सकता, डाइजेशन के अंदर जो प्रोसेस है वो स्टॉप नहीं कर सकता। हमारे अंदर 90% ऐसे एक्शन है जो इनवॉलंटरी है, मतलब जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। वर्ल्ड का कोई भी पर्सन अपना ब्रीदिंग स्टॉप करके सुसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि निकल जाएगा उसका ब्रीदिंग वापस, क्योंकि ब्रीदिंग जो होता है वो हमारे यहाँ पे मेडुला ऑब्लॉन्गाटा जो होता है उसके अंदर सेंटर है ब्रीदिंग कंट्रोल करने के, तो इनको इनवॉलंटरी बोलते हैं। और वॉलंटरी मतलब जो अपने विल पावर के अंडर कंट्रोल में, तो मतलब इमेजिन देखो हमको कौन चलाता है, कार्डियक मसल, वेरी गुड। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्टडी को क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, ये याद रखिए। और माइक्रोबायोलॉजी स्टडी करने के लिए हमको माइक्रोस्कोप का चीज डिपेंड ऑन आर विश इज वॉलंटरी, करेक्ट। हार्ट बीट, डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन, वेरी गुड। माइक्रोबायोलॉजी मीन्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो बहुत छोटे है। माइक्रो का मीनिंग होता है स्मॉल, किसने बोला ये, अथर ने, वेरी गुड। एंड लिवनहॉक इज कॉल्ड एज फादर ऑफ बायोलॉजी, वेरी गुड अथर, स्टडी ऑफ माइक्रो, वेरी गुड, बहुत अच्छे से रिप्लाई दे रहा हूँ। करण, अब्रार, प्राजक्ता, गौरव, गौरवी, सानिका, अनुष्का, प्राची, ऋतुराज, वेरी गुड, सभी का रिप्लाई रहा है। प्रथमेश, ये माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो का मीनिंग होता है वेरी स्मॉल, और बायो का मीनिंग होता है लाइफ, और लॉजी का मीनिंग होता है स्टडी और नॉलेज। उसके बाद पैथोलॉजी किसको बोलते हैं, स्टडी ऑफ डिसीज कॉजिंग एजेंट, उसको बोलते हैं हम पैथोलॉजी। पैथोजन का मीनिंग होता है डिसीज कॉजिंग एजेंट। अभी जैसा देखो पैंडेमिक चल रहा है कोरोना वायरस, तो कोरोना क्या कर रहा है, कोरोना हो गया वायरस, और वो एक ऐसी कंडीशन क्रिएट कर रहा है जिसके वजह से सिम्टम दिख रहे हैं, और बहुत सारे सिम्टम एक ही जगह दिखे तो उसको सिंड्रोम बोलते हैं। तो डिसीज कॉजिंग एजेंट को बोलते हैं पैथोजन, और किसी को कौन सा डिसीज हुआ वो डायग्नोस करने के लिए क्या करते हैं हम, जो बॉडी के अंदर का स्पेसिमन है, जैसे ब्लड है, यूरिन है, स्टूल है, म्यूकस है, ये देखकर क्या करते हैं उसमें से माइक्रोब को डायग्नोस करते हैं, उसको बोलते हैं पैथोलॉजी, मीन स्टडी ऑफ डिसीज कॉजिंग एजेंट। इंटामोलॉजी, इंटामोन मतलब इंसेक्ट, बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस है, वन बाय वन आगे जैसा आते जाएगा वैसे बोलते जाऊंगा। उसके बाद सेल स्ट्रक्चर देखना है हमको, जो आपका 9th में थोड़ा पार्ट हुआ था, यहाँ पर और ज़्यादा डिटेल में आएगा, ठीक है। सेल, सेल के अंदर आएगा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल, सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस। उसके बाद हमको प्लांट की फिजियोलॉजी देखने की है, मतलब प्लांट के अंदर कौन कौन से प्रोसेस हो गए, ये पूरा पार्ट मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है, ओके। तो जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट, मिनरल, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन। फिजियोलॉजी का मीनिंग मैंने अभी बोला आपको, स्टडी ऑफ लाइफ इंटरनल प्रोसेस, इसको क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी। उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी आएगा, ठीक है, ये टॉपिक के नेम है देखिए। और 11th का जो सिलेबस है वो भी इम्पॉर्टेंट है, उसको इग्नोर नहीं करना है। 11th का जो सिलेबस है ना, हाँ, स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एज इंटामोलॉजी। क्यों इंसेक्ट की स्टडी जरूरी है,
क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कौन से ऑर्गेनिज्म मिलता है? इंसेक्ट ही मिलता है, क्योंकि हर 10 ऑर्गेनिज्म में से 7 रहता है इंसेक्ट। इंसेक्ट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मिलता है, ठीक है। ये देखो, ये लास्ट ईयर 2020 का नीट का एनालिसिस है जो एग्जाम हुई थी 13 सितंबर को। इसके अंदर देखो जो बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए थे उसके अंदर 52% क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो 11th स्टैंडर्ड के बुक से पूछे गए, और 48% जो पूछे गए थे वो क्लास 12th के ऊपर पूछे गए थे। और लास्ट ईयर का पेपर इजी था, पर हर बार नहीं आता। इंटामोलॉजी मीनिंग इज नॉट इंसेक्ट। अर्थोपोड, अर्थोपोड का मीनिंग क्या होता है अवधूत? अर्थो का मीनिंग होता है जॉइंट और पोड़ा का मीनिंग होता है लेग। ओके, सरबजीत, श्रीजीत सॉरी, श्रेयस, दिग्विजय, वेरी गुड। सैंग्वीवोरस का मीनिंग क्या होता है दिग्विजय? जो ब्लड सकिंग एनिमल रहते हैं उनको बोलते हैं सैंग्वीवोरस। लीच जो है वो ब्लड सक करता है, देखो वो सैंग्वीवोरस है। उनका माउथ सुक्टोरियल होता है, सुक्टोरियल मतलब सर्कुलर, ठीक है। तो ये मैं आपको बोल रहा था कि भाई 11th का सिलेबस क्यों इंपॉर्टेंट है, 11th 12th दोनों इंपॉर्टेंट है। ये बोला पोर्शन देखिए 50% ऑलमोस्ट पूछ वाला है, जॉइंटेड अपेंडिक्स रहेंगे अर्थोपोडा में, ठीक है। ये आ गया, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब ये टॉपिक के नेम है, देखिए कौन कौन से टॉपिक आने वाले। ये पूरा जो सिलेबस है ये 11th और 12th का, दिस इज 11th, ये नीचे वाला है 12th, ठीक है। ये है 12th, ये ऊपर का है 11th, ठीक है। ये सिलेबस है जूलॉजी का 11th 12th, ठीक है। तो ये याद रखने का, टॉपिक के नाम मैंने यहाँ पर ऐड किए वाले। उसके बाद ये रहेगा बॉटनी का सिलेबस, जिसके अंदर ये जो शेडेड पोर्शन है ये है 11th का, क्लास 11th। ये इतना पूरा पोर्शन जो आएगा वो आएगा क्लास 11th का बॉटनी, जो कि थोड़ा हार्ड है एज़ कम्पेयर टू 12th, बट डोंट वरी हार्ड, क्योंकि जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं ह्यूमन के लिए कि वो अगर जिद करे और उसको मुश्किल जाए, ऐसा कुछ होता ही नहीं। स्टडी करते रहने का सब बिजी जाएगा। और ये है 12th का बॉटनी, ठीक है। दिस इज 12th बॉटनी टॉपिक, ठीक है। ओके, ये मैंने सिलेबस डाला है सो दैट आपको समझ में आए, क्योंकि पहला टॉपिक हम यहाँ से स्टार्ट करें। पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे लिविंग वर्ल्ड, जो कि जनरल टॉपिक है, ठीक है। और यही हूँ मैं, मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है दिलीप जोशी। अन अकेडमी पर भी मैं स्टार एजुकेटर हूँ। उसके बाद ये लिंक्स है जहाँ पर मैं अवेलेबल होता हूँ। ये मेरी प्रोफाइल है, ठीक है। और मैंने पढ़ा है कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल, जो नंबर एक पर आता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, नंबर वन पर ये मेडिकल कॉलेज है, इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कस्तूरबा में भी, मतलब कर्नाटका में ये कॉलेज है, मणिपाल प्लेस है, जहाँ पर मोर देन 62 कंट्री से स्टूडेंट पढ़ने आते हैं। तो वहाँ पर मैंने पढ़ा है कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल यूनिवर्सिटी, ये हूँ मैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट टॉपिक से। कौन सा रहेगा फर्स्ट टॉपिक अपना? लिविंग वर्ल्ड। हाँ, पीडीएफ भेज दूंगा, पीडीएफ भेजते जाऊंगा आसानी का। पीडीएफ को मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा एडिट करते करते, मैं भेज दूंगा आपको। ओके, डोंट वरी। तो यहां से हम देखने वाले लिविंग वर्ल्ड, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से और क्या क्या रहता है वो, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे लाइफ किसको बोलते हैं, व्हाट इज माय लाइफ, ठीक है। लाइफ का मीनिंग क्या होता है? इस अर्थ पे देखो कौन सर्वाइव होता है, ये बोलिए। अगर आपका इवोल्यूशन हुआ तो आपको समझ में आता है, इस अर्थ पर सिर्फ वही सर्वाइव हो सकता है जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है। फॉर एग्जांपल देखिए, अभी आप 133 स्टूडेंट दिख रहे हैं, आप 133 स्टूडेंट को अगर जंगल में भेजे, बहुत ज़्यादा दिन तक रहना और आना, उसके अंदर देखो सभी जनों को मुश्किल जाएगी। और फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों को भेज दिए समुद्र में या किसी जंगल में और वापस आने को बोले 2-3 महीनों के बाद, तो क्या प्रोबेबिलिटी है सभी आएंगे बोलकर? कुछ जन आ सकते, कुछ जन नहीं आ सकते, क्योंकि जिसके अंदर अडॉप्टेशन रहेगा, जिसके अंदर पावर रहेगा, नेचर उसी को सिलेक्ट करता है, और जिसमें पावर नहीं है उसको वो सिलेक्ट नहीं करता। इसको बोलते हैं लाइफ, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो लाइफ हमको पता है यूनिक है, कॉम्प्लेक्स है,
उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस थ्रू केमिकल रिएक्शन। हम सब क्या है, दिखने को ह्यूमन दिख रहे हैं, हमारे में इमोशन है, रिलेशन है, सब है, पर हमारे अंदर अगर कट करके देखें तो क्या दिखेगा, ब्लड दिखेगा, हाँ बोन दिखेंगे, डिफरेंट सेल दिख रहे हैं, उसके अंदर केमिकल दिख रहा है। तो मतलब एक्चुअल में हमारे में जो इमोशन रहता है, हम जो एक्सप्रेशन बोल रहे हैं, आगे वाले को समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, ये सब किसके वजह से हो रहा है, ये सब हो रहा है केमिकल के वजह से। रिएक्शन विच लीड टू अ ग्रोथ, ग्रोथ हो रहा है, पर ग्रोथ अलग अलग होती है। प्लांट में देखो, प्लांट जब तक सर्वाइव होता है तब तक इसकी ग्रोथ होती है, एज लॉन्ग एज प्लांट सर्वाइव प्लांट की ग्रोथ होती है। हमारे में वैसा होता है क्या, हम सबकी ग्रोथ एकदम मतलब 18-21 तक हो सकती है, 18-21 साल तक मैक्सिमम, उसके बाद ऐसा थोड़ी कि हमारी हाइट बढ़ते रहते हैं। वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट पर्सन का नाम पता है क्या, कहाँ का है? वर्ल्ड का जो सबसे टॉलेस्ट आदमी है उसको लोग बहुत चिढ़ाते हैं, वो इतना लंबा है, लोग उसको बोलते ऊपर हाथ घुमा के दिखा आसमान में, आज का क्लाइमेट कैसा है बोल बोल के, तो गुस्सा आता है। तो वो एक्सेप्शनल केस में, उसके बाद देखो वो आपको वो WWF होता है ना रेसलिंग का गेम, उसके अंदर एक खाली नाम का आदमी है, एक्चुअल नाम उसका भी दिलीप ही है, ये नेम, यही नेम है, मेरा नाम और उनका नाम सेम है, बट ही इज जाइजेंटिक, बहुत स्ट्रांग है। तो वो एक्सेप्शनल केसेस है कि उनको एक डिसीज है, एक्रोमेगाली बोलते हैं उनको, हाँ जापान में, यूके में, ठीक है। तो डेफिनेट और इनडेफिनेट ग्रोथ। उसके बाद देखो रिस्पॉन्सिवनेस, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स देता है, उनके अंदर वैरायटी ऑफ अडाप्टेशन आता है, चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ वो अडाप्ट हो जाता है, और रिप्रोडक्शन भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसको बोलेंगे लाइफ। सुल्तान कोसेन इज द टॉलेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, अच्छा सुशांत, हाँ खाली फ्रॉम इंडिया, उसका नाम, उनका नाम दिलीप ही है, पर खाली इसलिए बोला है कि वो जब भी रिंग में जाते हैं तो जय महाकाली बोलते हैं, तो महाकाली वहाँ के लोगों को प्रोनाउंस नहीं करना है, उन्होंने खाली बोले, खा फ्रॉम द पिगलॉटिस, तो खाली नाम हो गया। हाँ 257 हाइट, आपको सब पता रहता। उसके बाद देखिए, नहीं यूट्यूब पर ही ले रहा हूँ। उसके बाद देखिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो रहते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मीनिंग क्या होगा कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो खुद की कॉपी खुद बनाते हैं। अब हम जो आ गए, मतलब हमारी डेथ होती है, आगे के चाइल्ड आते हैं, वो जाएंगे, उसके आगे की जनरेशन आएगी, उसके आगे की जनरेशन, तो मतलब क्या होता है, हमारी पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे जाती है। हम सब की इन्फॉर्मेशन कहाँ पर स्टोर होती है, DNA में। आपके स्किन का कलर कैसा है, आपकी हाइट कैसी है, आपके हेयर कैसे है, आपके ईयर्स कैसे है, आइज कैसे है, ये सब इन्फॉर्मेशन कहाँ पर है, जीन्स में। जैसे देखो कोई भी प्लांट अगर ग्रो हो रहा है तो प्लांट की इन्फॉर्मेशन कहाँ पर स्टोर है, एक सीड से, एक छोटे से सीड से एक बहुत बड़ा प्लांट तैयार होता है। तो इतनी सब इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, थ्रू जेनेटिक मटेरियल। ये हाँ ही सर दलित है क्या, अच्छा अच्छा जादव, मुझे पता नहीं था, अच्छा बोले करेक्शन, पर पंजाब में वैसे नाम होता है, जाधव कृष्णा हेमंत, अच्छा हाँ क्लोनिंग भी। तो सेल्फ रेगुलेटिव इंटरैक्टिव सिस्टम मतलब समझ में आता कि ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट को रिस्पॉन्ड करता है, स्टिमुली को रिस्पॉन्ड करता है, नेचर में जो भी चेंजेस होते हैं उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, स्टिमुली सेंसेशन बोलेंगे उसको, रिस्पॉन्सिवनेस। पर हमको क्लासीफाई करना है क्या है, ये देखो ये कैरेक्टरिस्टिक दिए वाले यहाँ पर, कि हम इन कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है वो क्लासीफाई करना है, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्सियसनेस, और एक सिक्स कैरेक्टरिस्टिक हम ऐड कर सकते हैं जिसको बोलेंगे डेथ, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक है, इनके ऊपर हमको क्लासीफाई करने का है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग है या नहीं है, ये हमको क्लासीफाई करना है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे ग्रोथ, मेरे को बोलो ग्रोथ सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की होती है कि नॉन लिविंग की होती है, या दोनों की होती है, ये कमेंट में बोलो आप, थोड़ा सोच के बोलना। मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि जो पहला कैरेक्टरिस्टिक दिया है, ये प्रॉपर्टी से देखिए, इन प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमको देखने का है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हम किसको बोलेंगे
और नॉन लिविंग किसको बोलेंगे, ठीक है। हाँ, ये चैप्टर एनसीईआरटी में है ना, एनसीईआरटी में पहला ही टॉपिक लिविंग वर्ल्ड है, फर्स्ट टॉपिक बोथ। किस किस ने बोथ बोला है? अथर, स्नेहल, गायत्री, स्नेहा, उसके बाद सृष्टि, गौरी, जिन जिन्होंने बोध बोला है। बाकी स्टूडेंट ने बोला है, हाँ, उसके बाद शुभम, ऋषि। हाँ, तो मैं बोलता आंसर, कोई बात नहीं, आपको पता नहीं होगा। एक जन ने बहुत अच्छा बोला, किसने अच्छा बोला? अथर्व, गरुड़, इन्होंने अच्छा बोला। देखिए, बोलता आपको, कोई बात नहीं, आपको पता नहीं इसलिए। देखिए, ग्रोथ कमलिंग जनरली क्या होता है कि कोई भी ये ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर ग्रोथ दो टाइप्स होती है। एक तो इसके अंदर नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाएंगे, जिसके वजह से इसकी हाइट ये वो बढ़ेगी, या तो एक गिवन सेल के अंदर क्या होगा, न्यूट्रिएंट का एडिशन होगा। आप जब छोटे रहते हैं, छोटे से लेके, तो जब तक ग्रोथ होती है अपनी, ठीक है, जब आप छोटे रहते हैं, मतलब शिशु, एक रहता है शिशु और एक रहता है, ठीक है, तो ये जब आपकी ग्रोथ होती है तो आपके बॉडी का मास बढ़ते जाएगा। पर एज जब आपका 18-21 हो जाएगा, उसके बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, उसके बाद मास बढ़ सकता है, मतलब न्यूट्रिएंट बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो वो भी ग्रोथ है। पर ग्रोथ किस किस को बोले हम? इंक्रीज इन नंबर एंड मास ऑफ सेल बाय डिवीजन। यहाँ पर देखिए, आपको एक सेल दिख रही है, ठीक, इसका माइटोसिस हुआ, इससे दो सेल तैयार हुए, वन और टू, और इसका जब माइटोसिस होगा, दो से चार, चार से आठ, सो ऑन, ये सेल तैयार होता है। पर ग्रोथ जो है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही नहीं होता है, नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होती है। अगर कहाँ पर देखा आपने कि एक जगह पर इतनी मिट्टी गिरे वाली है, ठीक है, कुछ सालों के बाद देखा आपने ये मिट्टी थोड़ी सी बढ़ गई। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था, देखो माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है, विंटर में अगर देखें तो उसकी हाइट थोड़ी बढ़ जाती है, हम उसको भी ग्रोथ ही बोलते हैं। पर वो ग्रोथ कैसी होती है? एक्सट्रेंसिक ग्रोथ होती है, बाहर से ग्रोथ होती है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ अंदर से बाहर की तरफ होती है, और नॉन लिविंग में ग्रोथ बाहर से अंदर की ओर होती है। तो ये डिफरेंस है। तो मतलब ग्रोथ जो है दोनों में भी होगी, लिविंग में भी और नॉन लिविंग में भी, ठीक है। ये याद रखिए कि ग्रोथ टेक्स प्लेस इन बोथ ह्यूमन एंड, मतलब लिविंग एंड नॉन लिविंग, दोनों भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ होती है। प्लांट के अंदर ग्रोथ कैसी होती है? तो ये मैंने बोला कि थ्रू आउट लाइफ, जब तक प्लांट जिंदा रहता है तब तक उनके अंदर ग्रोथ होती है। ऐसी टाइप की ग्रोथ को बोलते हैं इनडेफिनेट ग्रोथ, इनडेफिनेट ग्रोथ बोलेंगे इसको, या तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, इस दो टाइप की ग्रोथ, ठीक है। एक तो प्लांट के अंदर इनडेफिनेट ग्रोथ, या इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, या ओपन एंडेड ग्रोथ, ये वर्ड यूज होता है, ये वर्ड याद रखिए। मैं रिपीट करता हूँ और एक बार, प्लांट जब तक जिंदा रहेंगे तब तक ग्रोथ होती है, इसलिए उनको बोलते हैं इनडेफिनेट ग्रोथ, या इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, या ओपन एंडेड ग्रोथ, ठीक है। आपको बनियान ट्री पता है? देखो बड़ा सुधाड़, उसको क्या बोलते हैं, बनियान ट्री ऑलमोस्ट इमॉर्टल है, जब तक अपन उसको न्यूट्रिएंट सप्लाई बंद नहीं करते, या कोई मैकेनिकल इंजरी नहीं होती है, या किसी ने कट नहीं किया, तब तक वो प्लांट जिंदा रहता है। जब तक उसको न्यूट्रिशन मिलता जाएगा तब तक वो जिंदा रहता है। इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट प्लांट जो है बनियान ट्री का, वो कोलकाता के गार्डन में है, जो 200 से 300 साल पुराना है। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लांट जो है हाइट वाइज, वो है कैलिफोर्निया में रेडवुड, जिसकी हाइट 356 फीट है। और उन प्लांट का लाइफ स्पैन देखे 3000 से 4000 साल पुराना, इतना पुराना। और एनिमल में क्या होता है, ग्रोथ जो वो एक पर्टिकुलर एज के बाद ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि सेल डिविजन क्या होता है, धीरे धीरे लॉस होता है। क्यों लॉस होता होगा ये आप थोड़ी देर इमेजिन करके देखें, कि अगर आपके घर में एक फैन है, आपने आज लाया, तो आपका फैन कितने दिन तक चलेगा? 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल, उसके बाद उसके अंदर कुछ ना कुछ फॉल्ट आएंगे। तो ह्यूमन के अंदर इमेजिन कीजिए कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये एक ऐसी गिरनी है जो रोज़ काम करती, और फूड को डाइजेस्ट करके उसमें से एनर्जी निकालना नॉट एन ईजी टास्क। तो ये कितने टाइम तक वर्क कर सकता है? 20 साल 30 साल 50 साल 60 साल 70 साल।
धीरे धीरे वो वीक होते जाएगा, ऐसा होता है। कोलकाता में देखो गार्डन है, कोलकाता में कहाँ पे है ट्री, कोलकाता में गार्डन, मैं लास्ट में बताऊंगा, इस टॉपिक के लास्ट में आने वाला है श्वेता। कोलकाता में बोटानिकल गार्डन है, वहाँ पे वो सबसे ओल्डेस्ट बनिया ट्री है। दिखाना दिखाता, देखिए एक मिनट दिखा देता हूँ, आप पूछ रहे थे, देखिए यहाँ पे लास्ट को दिखाऊंगा आपको। इसको एडिट करना बाकी था, ये जो दिख रहा है ना किधर गया, इंडियन बोटानिकल गार्डन हावड़ा वेस्ट बंगाल में, यहाँ पर सबसे बड़ा बनियान का ट्री है, ठीक है। या तो मैं आपको साइड में गूगल में भी दिखा सकता हूँ, लास्ट टाइम में दिखाऊंगा, देखिए ठीक है। अभी कहाँ तक चालू था अपना ग्रोथ, ये हुआ था देखिए, लाइफ हो गया था हमारा, ग्रोथ हो गया था, ये भी बोला था मैं आपको, हाँ यहाँ का चालू था आपने कि एनिमल के अंदर ग्रोथ कैसी होती है और प्लांट के अंदर कैसी होगी, ये बोल रहा था मैं आपको, ये क्लियर होगा। प्लांट के लिए मैंने तीन वर्ड यूज किए थे, इनडिटर्मिनेट, इनडेफिनेट और ओपन एंडेड। हाँ ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो बेसिकली ग्रोथ इज इंक्रीज इन मास, ठीक है, मास बढ़ना और साइज बढ़ना। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में भी ऐसा होगा, जहाँ पे सरफेस पर मटेरियल का एक्युमुलेशन हो रहा है, यहाँ पर दिख रहा है देखो आपको, ये देखो माउंटेन, इनकी हाइट बढ़ते रहती है विंटर सीजन में, क्योंकि बर्फ ज़्यादा एक्युमुलेट होगा, तो वैसे तो इसलिए इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलते। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, जिस वर्ड को मैं ऐसा क्लोज कर रहा हूँ वो वर्ड इंपॉर्टेंट है, देखिए, क्योंकि जब हम इनकी प्रॉपर्टी बोलेंगे ना तो आपको बोलना पड़ता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन से डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब जो डिफाइन करते कि वो जो पर्टिकुलर स्पेसिमन है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। जैसे मैंने आपको कुछ मिट्टी दे दी और एक ह्यूमन है, और इसके अंदर से मैं पूछ रहा हूँ आपको लिविंग कौन सा, नॉन लिविंग कौन सा, तो आपको उसको इस 5 क्राइटेरिया के ऊपर क्लासीफाई करना है। तो पहला क्राइटेरिया क्या निकला, गलत निकला, क्योंकि नॉन लिविंग भी क्या कर रहा है, ग्रोथ दिखा रहा है। तो इसलिए बोलते वक्त हम क्या बोलेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उनके अंदर ग्रोथ होती है इंट्रेंसिक, अंदर से बाहर की तरफ, और जो नॉन लिविंग होता है उनके अंदर ग्रोथ क्या होती है, एक्सट्रेंसिक, एक्सट्रेंसिक मतलब बाहर से, ठीक है, ये डिफरेंस है। मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको याद रखना है कि जो नॉन लिविंग रहेंगे उनके अंदर ग्रोथ क्या रहेगी, एक्सट्रेंसिक, और जो लिविंग रहेंगे उनके अंदर ग्रोथ क्या रहेगी, इंट्रेंसिक, ये याद रखिए। यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ मैं, वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, ये देखिए नीचे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको। आपको देखो ये पता है ना, अंडे जो रहते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के, अगर क्रोकोडाइल का एग है, क्रोकोडाइल का एग देखो उसकी जो मदर रहती है वो उस एग के अराउंड ही रहती है, या स्नेक में देखते हो, स्नेक जहाँ पे अपना अंडे देगा उसके साइड को वो ऐसा, यानी कि उस अंडों को इंक्यूबेशन देता है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ज़्यादा टाइम के लिए, ठीक है। वो अंडा अगर अंदर से फोड़ के बाहर की तरफ निकला तो वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव होता है, और बाहर से हम अंडे फोड़ के उसको अंदर से बाहर निकाल रहे तो उसकी डेथ होती है। तो मतलब देखो लाइफ अंदर से बाहर की तरफ आ रही, वेरी गुड, अंडरस्टूड गायत्री, प्राजक्ता, श्वेता, श्रेया, गौरव, स्नेहल, गुड, ठीक है। अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक देखिए, रिप्रोडक्शन। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्लियर हो गया सबको कि ग्रोथ क्या है, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि ये पक्की तरह से नहीं बोलता कि ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है कि नॉन लिविंग है, ठीक है। नंबर टू कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं हम, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन पता हमको, ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि ये प्रोसेस क्या करती है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल की लाइफ को आगे रखने के लिए काम को आता है। रेस कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, प्लांट में भी और एनिमल में भी। पर ये रिप्रोडक्शन के टाइप आपको पता है, असेक्सुअल, सेक्सुअल, ये डिफरेंट टाइप है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम रिप्रोडक्शन को, कि प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी हैविंग फीचर सिमिलर टू दैट ऑफ पैरेंट। सिमिलर टू पैरेंट, इसके लिए और एक वर्ड आता है जो यहाँ पर नहीं लिखा है पर मैं लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं लाइक बिगेट्स लाइक।
आप जो 10th में थे, देखो आपको इस साइंटिस्ट का नाम आया होगा मेंडल। दो मेंडल आते, एक पहला आता है, आप में से जो स्टेट बोर्ड के बच्चे होंगे उनको भी पता, और जो CBSE में थे उनको भी। दो मेंडल आते, एक वो स्कूल ऑफ एलिमेंट में दिमित्री इवानोविच मेंडलीव, जिन्होंने 63 एलिमेंट को क्लासिफाई किया था, और एक थे ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल ने ये टर्म बोली थी कि लाइक बिगेट्स लाइक। लाइक बिगेट्स लाइक मतलब अगर डॉग है तो उसको पपी प्रोड्यूस होगा, मैंगो प्लांट है तो मैंगो प्लांट से मैंगो ही आएगा, ह्यूमन से ह्यूमन ही आएगा। कि ऐसा होता है ह्यूमन से एनिमल आ गया, वैसे नहीं होता। इस फेनोमेनन को बोलते हैं लाइक बिगेट्स लाइक, और प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी हैविंग द फीचर्स सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स एंड ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस असेक्सुअली और सेक्सुअली, इसका मीनिंग समझ में आना। असेक्सुअली में सेम टाइप का इंडिविजुअल आता है, और सेक्सुअली के अंदर क्या होगा, इंडिविजुअल थोड़ा सा डिफरेंट आता है, जिसको बोलते हैं हम वेरिएशन। क्योंकि ये जो वर्ड है सेक्स, सेक्स का मीनिंग ही होता है सेपरेट। सेक्स एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है सेपरेट। कौन सेपरेट? मेल और फीमेल दोनों सेपरेट है। और असेक्सुअल में क्या होता है, ऑनली वन पैरेंट रहता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, ये देखिए अब ग्रोथ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, देखो इनके बारे में एक चीज आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो होते हैं इमॉर्टल। इमॉर्टल का मीनिंग क्या हुआ बोलो? इस पृथ्वी पर ऐसा कौन है कि जो कभी नहीं मरता? अमर कौन रहता? तरुण भाटी, कैसे हो आप लोग? तू क्या देख के आया रे, कैरिमिनाटी देख के आया क्या तू? देखो मैंने आपको पूछा है कि इमॉर्टल कौन है, मतलब इस दुनिया में ऐसा कौन है कि जो कभी नहीं मरता, वो इनके लिए वर्ड यूज होता है। देखो यूनिसेलुलर, क्योंकि हमारे में कैसा होता है, ये इंडिविजुअल है, देखिए ये फादर है और ये मदर है, ठीक है, और ये इनका शिशु है छोटा सा, ठीक है। पर ये जैसा जैसा बड़ा होते जाएगा वैसे वैसे पेरेंट की एज क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। एक टाइम के बाद क्या होगा, जब दोनों का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होता है कि ये बॉडी डिजेनरेट होगी और ये सर्वाइव होगी। पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता। इमॉर्टल मतलब अमर, जो कभी नहीं मरते उनको बोलते इमॉर्टल। मॉर्टल का मतलब होता है डेथ, ठीक है, और इमॉर्टल का मीनिंग होता है नेवर डेथ, कभी डेथ नहीं होगी, नेवर डेथ, कभी नहीं मरते उनको बोलते इमॉर्टल। हाँ, हु कैन नेवर डाई, करेक्ट। तो अब मुझे बोलिए ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, अब समझो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, पीछे निकाल के दिखाता हूँ आपको, मुझे ब्लैंक स्लाइड लगेगी इसलिए। यहाँ पे देखिए, ठीक है, मैं आपको बोल रहा था कि इमॉर्टल किसे कहता है, ठीक है, मतलब जो कभी नहीं मरेगा, हु कैन नेवर डाई, ठीक है। तो ये देखो ये एक यूनिसेलुलर बैक्टीरिया, ठीक है। अब इस बैक्टीरिया से जब दो बैक्टीरिया तैयार हो गए बाय बाइनरी फिशन, तो इसके बॉडी का ऐसा कोई भी पार्ट नहीं रहता है कि जो डेथ होगा, ये पूरी तरह से इनमें कन्वर्ट हो चुका है, पूरी तरह से कन्वर्ट। तो इसीलिए क्या होता है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को इमॉर्टल कहा जाता है। बट ह्यूमन बीइंग में कैसा होगा, तो मैंने अभी बोला है कि ये अगर मेल है और ये फीमेल है, तो इनका जब ये चाइल्ड आएगा, चाइल्ड आए या ना आए, पर कुछ टाइम के बाद क्या होगा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके बॉडी का पार्ट डीजनरेट होगा, जिसको या तो बर्न करना पड़ेगा, या तो जलाना पड़ेगा, या तो डीकम्पोज करना पड़ेगा, कैसे भी। तो मतलब इनके बॉडी का पार्ट क्या हो रहा है, डेथ हो रही है। पर यहाँ पर कभी डेथ होती नहीं, इन्हें डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट हो जाता है। डेथ इसकी कब होगी, जब इसके ऊपर एसिड अल्कली कुछ गिरा, उसकी वजह से इसके सेल डैमेज हुए, तो इसको डेथ बोलेंगे, नहीं तो नेचुरली इसकी डेथ नहीं हुई। तो समझ में आ गया इमॉर्टल का मतलब क्या हो गया, यूनिसेलुलर कभी नहीं मरते वो, ठीक है, ये बोला था। वहां पे मुर्गी दिखाई थी, अब पूछो मत कि मुर्गी पहले कि अंडा पहले, बोल के ये बोला। देखो मैं आपको
रिप्रोडक्शन आर सेम बिकॉज दे रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन, सब में सेल डिवीजन होता है, ठीक है, ऑल क्लियर ना, वेरी गुड। करण, करण ने बोला है, ओमकार, अब्रार, श्रीजीत, अथर्व और श्रीजीत मोहिते, हाँ। पर अब मुझे बोलो, रिप्रोडक्शन सभी लिविंग ऐसा बोलने आएगा क्या जिसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है, या जो रिप्रोडक्शन कर रहा है वो लिविंग है, जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा वो नॉन लिविंग है, ऐसा बोल सकते हैं क्या हम? मुझे ये बोलिए, ये जो रिप्रोडक्शन है हम इसको लिविंग कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं क्या? नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए कुछ पर्सन है, हमको पता है कि ह्यूमन में मेल है, फीमेल है और एक थर्ड जेंडर भी है जो ना मेल है ना फीमेल है, तो हम ऐसा बोल सकते क्या दैट पर्सन इज नॉन लिविंग? नहीं बोल सकते हम। एनिमल में देखिए, जैसे म्यूल है, टाइगॉन है, लाइगॉन है, अभी दिखा था, देखो आपको आगे देखो दिख रहा है यहाँ पे म्यूल, पता है क्या म्यूल? इसको खेचर बोलते हैं, खेचर। ये कैसे बनता है? मेल हॉर्स, ये मेल का लोग, मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी, मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी, इन दोनों का क्रॉस हुआ क्या आता है? ये म्यूल, ठीक है। अब इस म्यूल को कभी चाइल्ड नहीं होता है, इसको कभी चाइल्ड नहीं होगा, तो इसका मीनिंग हम ऐसा बोलेंगे क्या इन्हें नॉन लिविंग है, ऐसा बोल सकते हैं हम? नहीं बोल सकते। या रिप्रोडक्शन की वजह से लिविंग, ऐसा नहीं बोल सकते। इसका मतलब ये हो गया कि रिप्रोडक्शन जो है ये भी परफेक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। लास्ट की लाइन देखिए, मैं इसके ऊपर हाईलाइट कर लेता हूँ कि रिप्रोडक्शन जो है वो भी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, क्योंकि ऐसे कुछ एग्जाम्पल है कि जिनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता है, तो हम उनको बोलेंगे क्या वैसा? नहीं। और दो तीन एग्जाम्पल बोलता जो मैंने अभी आपको बोले थे, म्यूल तो पता होगा आपको, दिखाया मैंने आपको, म्यूल के अपोजिट कौन होता है? हिन्नी, यहाँ पर लिखता हूँ, देखो कलर चेंज करता हूँ और लिख देता हूँ यहाँ पर, हिन्नी पता, हिन्नी, हिन्नी, हिन्नी के अंदर होता है मेल और फीमेल, ये होगा मेल, मेल इसके अंदर क्या होगा, फीमेल कौन होगा इसके अंदर? मेल रहेगा डोंकी और फीमेल रहेगा हॉर्स, ये होता हिन्नी, ये याद रखें। और उसके बाद टाइगॉन और डोंकी, ये टाइगॉन और लाइगॉन, ये भी नाम याद, डोंकी बोल रहा हूँ मैं, ये नाम भी याद रखें। टाइगॉन मतलब पता है, मेल टाइगर और फीमेल लायन, टाइगॉन और लाइगॉन। टाइगॉन में क्या होता है, मेल टाइगर, यहाँ पर नीचे टी लिख देता हूँ, एंड फीमेल लायन, ये होता है टाइगॉन। और लाइगॉन के अंदर क्या होगा, मेल रहेगा लायन, फीमेल रहेगी टाइगर, यस सर, ठीक है। अभी टाइगॉन और लाइगॉन ये भी हाइब्रिड इंडिविजुअल है जिनके अंदर आगे रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो अब उनको क्या नॉन लिविंग बोलना क्या? नहीं, हम उनको लिविंग बोल रहे, नॉन लिविंग भी ऐसा बोल रहे यार, मतलब डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। तो मतलब दोनों समझ में आ गए, ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ये भी नहीं है, दोनों भी। अब तीसरी प्रॉपर्टी है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म किसको बोलते हैं बोलो? आपका हुआ होगा टेंथ में डाइजेशन, देखा ना आपने, हमारे पास टीथ किस काम के लिए आता है? खाना खाने के लिए, फूड को क्रश करने के लिए। पर फूड को क्रश कर रहे मतलब ही क्या कर रहे, वो डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, और उससे क्या होगा, फूड अंदर आना एनाबॉलिज्म, डाइजेशन होना कट होना कैटाबॉलिज्म। एना मीन्स आना, कौन आना, फूड अंदर, और कैटा मतलब कट, अंदर हमारे अंदर कट हो रहा है वो, हाँ। नर्व सेल टू, नर्व सेल में क्या बोल रहे सुशांत आप? नर्व सेल अलग चीज़ है, नर्व सेल न्यूरॉन ऐसे रहते कि जो एक बार आने के बाद लाइफ में कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होते, नर्व सेल और मसल सेल, बाकी बॉडी के सेल मल्टीप्लाई होते हैं, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। तो ठीक है, मेटाबॉलिज्म मीन्स व्हाट? एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मीन्स इनटेक ऑफ फूड, और कैटाबॉलिज्म मतलब कट होना। तो मुझे बताओ नॉन लिविंग में मेटाबॉलिज्म होता है क्या? ये देखिए, मैं हूँ, आप है, सब है लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम कब तक लिविंग है? जब तक हमारे में एनर्जी है। ह्यूमन बीइंग माइनस एनर्जी, एनर्जी अगर माइनस की क्या होता है? डेथ। और हम सब में एनर्जी कहाँ से आ रही है? हम सब में एनर्जी आ रही है फूड से।
किसी भी पर्सन की डेथ हो गई वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं डॉक्टर, कि डेथ होने के बाद लिखते हैं कि ब्रेन डेथ, मतलब इसके ब्रेन के अंदर करंट नहीं है। करंट आने के पीछे क्या लगता है? आयंस लगता है। आयंस कहाँ से आ रहे? फूड में से आ रहे। फूड में से आयन कैसे आए, किस प्रोसेस से इसके अंदर आए? तो वो आए मेटाबॉलिज्म से। तो ये याद रखने का है, अगर मेटाबॉलिज्म नहीं तो एनर्जी नहीं, और एनर्जी नहीं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं। तो आपका टाइम होने को आ गया, ये पूरा मैं बोलूंगा, टाइम लगेगा। देखिए ये सेल के अंदर बोलने वाला मेटाबॉलिज्म, कल मैं और आपको रिपीट बोलने वाला हूँ, ठीक है? तो सबको समझ में आ रहा है, क्लियर? मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा ना? क्योंकि क्या होता है, पहले पहले स्टार्टिंग को 10th में जिसको 90% भी है, उन बच्चों को कभी कभी थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, क्योंकि नॉलेज का लेवल बहुत अलग चीज़ होता है, सब कुछ नया नया होता है, और ये अपना पहला ही क्लास है। तो आपको समझ में आ गया मैंने जो बोला? हाँ, बॉडी कूल आफ्टर डेथ, श्वेता, करेक्ट। पर ऐसा नहीं कोई पर्सन अगर एसी में बैठ के सोए वाला है, उसकी बॉडी ठंडी है और आपने हाथ लगाया, ऐसा नहीं बोला ये मर गया बिल्कुल, उसके अलग क्राइटेरिया है, ठीक है? अच्छा, पीडीएफ भेजूंगा सानी का, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। ओके, सबको क्लियर? मज़ा आ गया, समझ में आ गया? वेरी गुड, सभी स्टूडेंट हाँ क्लियर सर। तेजस, दिशा, प्रेरणा, श्रुति, वैष्णवी, मनीषा, तरुण, और इसके ऊपर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लूँगा। देखो जैसा ये टॉपिक होता है तो उसके लिए वो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी मार के रखने का, दबा के रखने का बात, तो जिससे क्वेश्चन प्रैक्टिस लूँगा तो मैं आपको ऑटोमेटिकली लिंक मिलते जाएगी। क्योंकि कभी कभी अभी मतलब ऑक्टोपॉड बंद कर रहे हम, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब किया, कैसा है ये कौन से भी ये इधर के, तो लिंक अगर जनरेट की तो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, थैंक यू अथर्व पवार, योर टीचिंग स्टाइल इज़ वेरी वेल। ये ऐसा मैसेज अनअकैडमी पर बहुत बड़ा है। ओके श्वेता, मैं पीडीएफ जल्दी से जल्दी भेजने को देखूँगा। ओके, सबको समझ में आया? किसी को बोर तो नहीं रहा, कोई सोया तो नहीं रही? अगर मेरे को दिखते नहीं हो, नेम दिख रहा है सबके? अच्छी, वेरी गुड, पीडीएफ भेज दूंगा आरती में। श्रेया, अरविंद, ऋतुराज, आस्था, सानिका, श्रेया, मधुरा, अरविंद, सानिका, श्रीजीत, मधुरा, अनुष्का, निकम, श्रद्धा, थैंक यू श्रद्धा, स्वरांजलि, समीक्षा, बाय। सब समझ में आया, वेरी गुड। वाटर प्लेन इम्पॉर्टेंट, हाँ वाटर तो लगेगा, वर्ल्ड का सबसे इम्पोर्टेंट केमिकल जो वाटर ही है। हमारे बॉडी में वाटर क्यों है दिग्विजय? क्योंकि वर्ल्ड के 90% सब्सटेंस वाटर में डिजॉल्व होते हैं। पेट्रोल नहीं है हमारे अंदर, पेट्रोल रहता शुगर डिजॉल्व होती नहीं, किसी ने चाय पी वो चाय डिजॉल्व नहीं, ऐसा होगा। तो इसलिए हमारे अंदर वाटर है, क्योंकि वाटर सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जीरो है, पर वाटर हमारे अंदर बहुत सारे सब्सटेंस को डिजॉल्व करता है, और वो डिजॉल्व होगा मतलब ही डाइजेशन होगा आगे, और हमको एनर्जी मिलेगी। बाय एवरीवन, थैंक यू। अगर नर्व सेल डिवाइड होती तो बनती कैसे? बनती कैसे ये देखो, जब हाँ तरुण बाहे थी, एक बार जब नर्व सेल हमारे अंदर आ जाती है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, वो डैमेज होने के बाद वापस वैसी सेल बन नहीं सकती, पर हमारे न्यूरॉन के साथ न्यूरोग्लियल सेल होता है जो अगर वो खराब हुआ तो उसको रिपेयर करता, रिपेयर होता पर वापस वैसा नहीं आता। ये होगा क्योंकि हमारे नर्व सेल के अंदर सेंट्रियोल नहीं होता। सेंट्रियोल एक ऐसा पार्ट है कि जो स्पिंडल फाइबर बनाएगा, सेल डिवीजन करने आएगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा लास्ट तक, आपको सब समझ में आएगा, सिर्फ टाइम लगेगा धीरे धीरे धीरे, पर सब समझ में आ जाएगा। हाँ ठीक है, होमवर्क होमवर्क आज का पढ़ के आने का है। बाय बाय, आज का होमवर्क करके आने का। बाय, पेन लेकर चुप बैठो अभी। ओके बाय, अभी बाय बोलते हैं ना, बोलो देखिए मैंने आंसर आपको। हाँ नीचे कमेंट्स चालू है। हाँ वंडरफुल डे। ओके श्रद्धा, अमृतराज, दिग्विजय, करण, श्रेया, वैष्णवी, पूजा, एकनाथ, अर्पण, अथर्व, ओके, गौर से भाई साहब, तरुण, समझ में आया क्या तरुण? अच्छा हाँ तरुण रुका हूँ मैं, बोल। एकनाथ, योगेश, प्रथमेश, किरण, आरती, प्राची, नीलेश, समृद्धि, पूजा, करण, योगेश, बाय बाय, जावेद, कब मिलेंगे? कब मिलेंगे? बच्चे बच्चे तुझे बाय बोले, बच्चों को मजा आ गया, बच्चे देखे बाय छोटू बोला वैष्णव बाय। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में।
ये है रुद्र। ट्रिंगेंड करता हूँ। नहीं रुक रुक रुक, थोड़ी देर में अभी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि और दूसरा कोई क्लास होगा तो करना पड़ेगा। ओके तरुण कुछ पूछ रहे थे आप। हाँ संभाजी ऑल क्लियर, थैंक यू। ओके गुड, आपको समझ में आना बस मैं जो बोल रहा हूँ। चाइल्ड इज क्यूट, ये जो फोटो पे दिख रहा है यही है चाइल्ड। तेरे को क्यूट चाइल्ड बोल रहे बच्चे, वो तेरे एज के ही है, अभी अभी आए प्राइमरी में। अमृतराज श्रावणी प्रीति बाय रुद्रा बोले छोटू। कुछ नहीं करता, थैंक यू लिखता बच्चों को। थैंक यू लिख रहा था, स्कूल 2 साल से बंद थी, कोरोना आ गया तो मजा आ गया। जस्ट बिकॉज इंजरी दैट फ्लेश इज रिमूव एंड ड्यूरिंग, तो नहीं न्यूरॉन नहीं बनाने आएंगे तरुण, क्योंकि न्यूरॉन को पता है देखो लॉन्गेस्ट सेल है, 1 मीटर उसकी साइज होती है। 1 मीटर मतलब समझ रहे हो, अपना जितना हैंड है उतना बड़ा न्यूरॉन है, उसको फोल्ड करके अंदर ब्रेन के अंदर बिठाया, तो वो फोल्डिंग जो नेचुरली आई उसको ब्रेन में बिठाना बहुत मुश्किल है, तो ये लगभग इम्पॉसिबल है। समझ में आता है जिनको ये देखिए, वैसे तो ब्रेन ट्यूमर जो आता है कैंसर का आपको फिर पूरा बोलना पड़ेगा मुझे, ब्रेन को डैमेज होने के चांसेस क्या, वन ऑफ द जो दिखता है हमको कि ब्रेन ट्यूमर में होता है, तो ट्यूमर जनरली वो हार्मलेस रहती है, पर वो ब्रेन में आने की वजह से हार्मफुल आई। बेनाइन ट्यूमर मतलब ऐसी ट्यूमर जिसके अराउंड कवरिंग होती है, तो जनरली वैसे ट्यूमर हार्मफुल नहीं होती है, ये कट मत कर मैं बोल रहा हूँ बच्चों को सुनाई देता है, तो ये मुश्किल है। नेक्स्ट लिख रहा हूँ, समझ में आ गया। आप बोलो कि ब्रेन का कोई पार्ट डैमेज हुआ उसको बाहर निकाले, तो फिर उतना पार्ट को रिप्लेस कैसा करेंगे, रिप्लेस करना मुश्किल है। ब्रेन की सर्जरी होते वक्त भी देखिए पेशेंट को होश में रखते हैं, ऐसा नहीं उसको बेहोश करके उसकी सर्जरी करते, नहीं तो ब्रेन में हर एक पार्ट पर अलग अलग रिसेप्ट आ रहा है जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो फंक्शन नहीं करेंगे ऐसा। न्यू बुक मध्ये नोट राइट करायचे का? हाँ करा नोट्स, मी तुम्हाला सांगणार तेव्हा करायचे ते। ओके सुशांत सुना मैंने समृद्धि प्राचीनी बोलायचं आहे, ठीक है। हाँ नोट्स के लिए बुक बनाइए प्राची, आज से नोट्स के लिए बुक बनाइए, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, आप ग्रुप में चेक कीजिएगा, मैं अभी आपको पीडीएफ भेज रहा हूँ नोट्स का, ठीक है। स्लोली स्लोली रिवाइज कीजिएगा, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई तो डोंट हेजिटेट टू आस्क, ठीक है। कोमा में लिविंग है नॉन लिविंग है, ये मैं आपको बोलने वाला हूँ। कोमा का मीनिंग होता है पार्शियल डेथ। शुभम पर्सन लिविंग इन कोमा इज नॉन लिविंग एज दैट इन केस देयर इज नो कॉन्शियसनेस, हाँ बोल सकते हैं, पर कोमा को पार्शियल डेथ बोल रहे, फुल डेथ नहीं बोल रहे, उसके अंदर अंदर मेटाबॉलिज्म तो चालू है, उसको जो सलाइन लगा था उसके ऊपर वर्क। हाँ न्यू बुक नोट्स मैं भेजूंगा, नोट्स आपको भेज दूंगा मैं, वही नोट्स लिखने का। ओके बाय। ओके बच्चों को मजा आ गया तेरे को देख के, बोर हो जाते पढ़ पढ़ के उसको। अब देखो मैं कूद जाता इसके अंदर। तू 2 साल से स्कूल में नहीं गया है, तेरे को डायरेक्ट 11th में डालेंगे अपन, ठीक है। बच्चों का आज से इनका चालू हुआ है, तो तू भी इसी के अंदर ऐड हो जाना, ठीक है। हाँ तो चल मैं भी इनके कमेंट्स पढ़ते बैठू, चल कमेंट्स मत पढ़, तू कमेंट्स कर दू। मैं कमेंट्स करूँ? हाँ तो आपके मुझे समझ में नहीं आता, मैं दूर थोड़ी ना, वो दूर है। अभी आएंगे, अभी एक बार लॉकडाउन ओपन हुआ सभी बच्चे दिखेंगे, ठीक है। अपने एक वीडियो में तो पूरे बच्चे आते, अमित जी नोट्स देखते। 3 बजे मुझे जाना है कॉलेज, ये बर्थडे है इनके, बच्चों के लिए नोट्स किधर रखता हूँ? हाँ इधर छुपा कर रखो ताकि किसी को ना दिखे और कोई उसको देख के सो जाए, सो नहीं जाए। जाना थोड़ी ना, नोट्स है वो बच्चों को देना पड़ेगा ना,
और वो सोना भी नहीं है, पढ़ते पढ़ते सो जाने का भी नहीं है, मैं तो सो गया था। नोट्स ढूंढ के इसके अंदर डाल देता हूँ। जान पढ़ाई करते तो बैठ तू। अरे पढ़ाई हो गई ना। क्या पढ़ा वो बोल मुझे, आज पढ़ाई क्या की तुमने ये बता मुझे। 2 से 7 तक टेबल, 8 का 5 तक टेबल्स, और एक एडिशन कैरी एडिशन, और 3 और 2 का कैरी नहीं कैरी बोलते इसको, कैरी कैरी बोलते रहता कैरी हादसा, हादसा बोलते इसको मराठी में, हादसा ला एक ऐसा बोलते इसको, हसला एक, हसला दो, हसला तीन, हसला चार, हसला पांच, हसला मम्मी। ये है क्या, इनको नोट्स केरी केरी अबे केरी केरी नहीं केरी कारी नहीं कीरी 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 अरे तो आ जाना चाहिए, जाने पड़ा स्टॉप करता। हाँ तो जरा जस्ट 1 मिनट, अरे मैं करता हूँ ना स्टॉप। तू तेरा क्लास लेता क्या? अरे मैं करता हूँ ना। हाँ